नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। अभी बिहार की राजनीति से एक बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं। एनडीए के अंदर कोहराम मच गया। जी हां, चिराग पासवान को लेकर अब घमासान होना तय है। हम बता दें कि चिराग पासवान को लेकर नीतीश कुमार पहले ही खफा नजर आ रहे हैं। जेडीयू कई बार कह चुकी है कि एनडीए के अंदर चिराग पासवान को नहीं होना चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान ने एनडीए के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। और अब जो है फिर से एक घमासान मचने वाला है, ये हम निश्चित ही कह सकते हैं। क्या कुछ मसला है, हम जानते हैं बाबा से। बाबा, बिहार की राजनीति में खासकर के एनडीए के अंदर फिर से घमासान मचने वाला है, तो क्या है पूरा मामला? हिमांशु, आपको एक घंटा पहले जो बिहार की राजनीति थी जी, उसमें अचानक से परिवर्तन आ गया जी। एक घंटा पहले पूरा एनडीए मिलकर के विपक्ष पर हमला कर रहा था और विपक्ष के मानव श्रृंखला पर सवाल खड़े कर रहा था। अब खुद ही सवाल के घेरे में आ गया है। आपको पता है कि बजट सत्र शुरू हो गया है दिल्ली में जी, और इस बजट सत्र से पहले एनडीए के नेताओं को बुलाया गया है कि कैसे वो उन्हें आगे टैकल करना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना घटी है और शायद ये इस देश आजाद भारत के इतिहास में पहली घटना है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर को बायकॉट किया गया है, और वो भी 19 दलों द्वारा। इस बात को लेकर के निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, जो कि बड़ी बड़े भाई के रोल में है, एक बड़ा धड़ा है एनडीए का जी, वो चिंतित जरूर होगा। और ऐसी चिंताओं का कारण क्या हो सकता है, आप समझ ही सकते हैं जी। इसमें चिराग पासवान को लेकर के कई तरह की बातें चल रही थी। एनडीए की बैठक में चिराग पासवान को निमंत्रण दिया गया है, ये तो लाजमी था ही, क्योंकि अभी चिराग पासवान विधिवत रूप से एनडीए से बाहर नहीं हुए, बिहार से वो बाहर हुए हैं। और नीतीश कुमार जी की पार्टी इस बात को लेकर के अडिग हो रही थी, लगातार दबाव बना रही थी भारतीय जनता पार्टी पर कि वो चिराग पासवान को अलग कर दें। आपको याद होगा राष्ट्रीय परिषद का जो बैठक चल रहा था पटना में, तो उस बैठक में भी केंद्रीय से लेकर के राज्य स्तर के कई नेताओं ने यह कहा था कि एकदम किसी सूरत में एनडीए में स्वीकार नहीं है चिराग पासवान। ये एक पक्ष का बयान था, लेकिन जीवस मिश्र तो कह रहे थे कि बिल्कुल थे हैं और रहेंगे। दूसरे पक्ष ने तो साफ तौर पे कह दिया था कि वो चिराग पासवान हैं और रहेंगे भी। चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव के बाद 6 महीने का विराम ले लिया था, कोई भी बयान वो देने से अपने आप को अलग कर लिया, जिसके कारण कई तरह की समस्याएं भी हुई, उनकी पार्टी के भी कई नेताओं ने इधर उधर हाथ पैर मारा, पार्टी में टूट भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी चिराग पासवान चुप रहे। एक मजे हुए राजनीतिक के तरह उन्होंने मोदी फॉर्मूला अपनाया और आम जनता के बीच में या मीडिया के सामने कोई बात नहीं किया। और उनका संपर्क और संबंध, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मेरे पिता समान हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी। इस बीच में आपको पता है कि पद्म भूषण भी मिला मरणोपरांत उनके पिता को, यह एक बड़ा सम्मान था। अब जबकि एनडीए की बैठक में उन्हें बुलाया गया है, तो मामला अचानक से आग के ऊपर, आप देखिएगा कि अगर कोई कुछ रख दीजिए और एक बैग धधकता है तो बूम होता है जी। उसी तरह से बूम हो गया है। जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी, तब केसी त्यागी का हमने बयान सुना था, हमने आरसीपी सिंह का बयान सुना था, और इस बयान का मतलब यही था कि अगर चिराग पासवान एक्सेप्टेबल है एनडीए में भारतीय जनता पार्टी को, तो हम ऐसे जगह रहना नहीं चाहेंगे। हालांकि इस बयान के बाद भी बहुत सारी बातें होनी है जी, क्योंकि जो बैठक होने वाली थी एनडीए की, हालांकि इस बैठक में निमंत्रण उनके पास चला गया चिराग पासवान के पास, क्योंकि घटक दल होने के नाते साथ चुनाव लड़े थे और अभी भी एनडीए में हैं, उनके पास जाना लाजमी था। इस पर आपत्ति व्यक्त की गई है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि हालांकि चिराग पासवान इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, उनकी तबीयत खराब है, हमारे पास जो सूचनाएं आई हैं, हमने प्रयास किया था बात करने का, लेकिन उनके जो शुभचिंतक हैं, उनके करीबी हैं, उनके द्वारा हमें सूचना दी गई कि उनकी तबीयत खराब है, वो बैठक में जाने में असमर्थ हैं। अगर ठीक ठाक रहा तबीयत तो जा भी सकते हैं जी, लेकिन अभी उस स्थिति में नहीं है कि वो बात करें या फिर जाएं, तबीयत उनकी थोड़ा नासाज है। इन सब बातों को लेकर के इतनी तो बात है, जेडीयू की तरफ से हम बयान का इंतजार कर रहे हैं, और वही सबसे बड़ी बात होगी कि चिराग पासवान को एनडीए से आउट कराने का ठीका दिया हुआ था हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को जी। इस बात को नोट कीजिएगा, बहुत मैं बारीक बात कर रहा हूं, शुरुआत में बता दिया था बिल्कुल। हो सकता है कि इस पर जेडीयू से पहले हिंदुस्तानी आवाम पार्टी का बयान आ जाए, क्योंकि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को कहीं ना कहीं चिराग पासवान के एनडीए में रहने से जो घाटा होने वाला है वो उसको समझ में आ रहा है जी।
अगर चिराग पासवान होते एनडीए में तो जो 4 सीटें मिली है हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को, शायद हालांकि हाइपोथेटिकल बात है लेकिन फिर भी ये तो तय माना जा रहा है कि अगर चिराग पासवान होते तो ये उनकी स्थिति नहीं होती जितना आज पूछ है उनकी जी। तो निश्चित रूप से हम इंतजार कर ही रहे हैं और ये निश्चित रूप से जदयू के लिए एक बड़ा सेटबैक है कि अब नीतीश कुमार क्या करेंगे जी। क्योंकि नीतीश कुमार उनकी पार्टी पूरी तरह से इस बात पर अड़ी हुई थी कि वो चिराग पासवान को बाहर ही करेगी। एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार में दिल्ली में शामिल होने की भी बात कर रही थी जी। और अब मामला उल्टा नजर आ रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी तो आपके हर सवाल का जवाब अपने पास रखती ही है। तो देखिए आगे क्या होता है, हमारी नजर बनी हुई है तो देखते रहे आप भारत। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।